इजहार देखो तुम्हारा फोन बज रहा है। किसका फोन है जिसको देख के तुम्हारी नींदें उड़ गईं? उठाओ। हाँ उठा उठा रहा हूँ। हेलो यार, ये कोई वक्त है कॉल करने का यार? हाँ हाँ मैं सुबह आ रहा हूँ ना तेरे पास यार, थोड़ा सब्र रख ले। हाँ ना यार, मैं सुबह आ तो रहा हूँ। चल यार अभी सोने दे, बहुत रात हो गई, सुबह बात करते ठीक है? हाँ अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। किसका फोन था? वही दोस्त का था ना। रात के इस पहर खैरियत तो थी? हाँ ना, मैं भी तो इसी बात पे गुस्सा कर रहा था। भला ये भी कोई टाइम है शरीफ आदमी को कॉल करने का? किस लिए फोन किया था? वो क्या वो हाँ 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 मतलब इसके रेफरेंस से मैं एक जॉब के इंटरव्यू पे लग गया था ना। तो वो बोल रहा था कि उन्होंने बुलाया है कल ऑफिस वालों को, कुछ पूछ कुछ करनी है ना मुझसे इस वजह से। जॉब के लिए? हाँ ना जान, जॉब के लिए। बस दुआ करो अब काम बन जाए। बन जाएगा, जरूर बन जाएगा इंशाल्लाह। बस तुम कल घर से निकलने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के जरूर निकलना। मैं पढ़ के निकलूंगा, अब सो जाओ। बहुत जोर से नींद आ रही है मुझे। अल्लाह इनको कामयाब करे, शुक्र है कहीं तो जॉब का आसरा बना। कहाँ जा रही हो? बाजार जा रही हूँ। ये तुम्हें आजकल कुछ ज्यादा बाजार जाने का शौक नहीं हो गया है? तो क्या तुम्हारी तरह घर पे ही बैठी रहूं? खैर अब क्यों जा रही हो? मुझे लिस्ट बता दो तो मैं जो जो चीजें मंगानी है ला दूंगी। अच्छा ठीक है तुम रुको, मैं भी साथ चलती हूँ। नहीं हरगिज़ नहीं, तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती, नामुमकिन। क्यों भाई, मेरे साथ जाने में क्या हर्ज है? हर्ज ये है कि जब तुम घर में इतनी बातें बनाती हो तो मैं नहीं चाहती कि बाजार में कोई तमाशा हो। तमाशा मैं करती हूँ या तुम? देख लो अभी भी तुम ही ढूंढ रही हो झगड़े का बहाना। ये तुम हर बात का उल्टा मतलब क्यों निकालती हो? क्योंकि तुम करती ही उल्टी बात हो। शगुफ्ता मैं इस वक्त की बात कर रही हूँ। खैर मुझे तुम ये बताओ, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही अकेली बाहर जाने लग गई हो, खैर तो है ना? हाँ हाँ मैं अकेली जाती हूँ क्योंकि बाजार में जितने भी दुकानदार है ना सब मेरा इंतजार करते हैं कि कब शगुफ्ता बेगम आएंगी और कब हमें दीदार होगा। अब मैं जाऊँ? हाँ हाँ भाई जाओ, और सुनो जरूरी सामान लेती भी आना और बाकर खानी जरूर लाना। हाँ तुम्हारे मुंह के मजे खत्म नहीं होते, ले आऊंगी। मौका अच्छा है, यही मुनासिब वक्त है जब अनिला कमरे में अकेली होगी। हेलो क्या हाल चाल है भाई? बेहतर हाल है अंकल, आप? हाँ यार एक काम था हो गया वापस। क्यों? मैं आपका इंतजार कर रहा था अंकल। ओह अच्छा, कहो खैरियत? अंकल मेरे केस में एक मुश्किल पेश आ रही है। अरे भाई तुम बोलो तो, हम है ना दूर करने के लिए। वो वकील की ना डिमांड बढ़ती जा रही है यार, ये तो वकीलों का पुराना वतीरा है। अंकल अगली पेशी के लिए मजीद पैसों की डिमांड कर रहे हैं वो। भाई ये तो होता है। खैर तुम फिक्र मत करो, तुम्हें जितनी रकम की जरूरत होगी मिल जाएगी। थैंक्स अ लॉट अंकल, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, आई डोंट नो मैं कैसे ये सब कुछ चुकाऊंगा। यार शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तुमसे कहा है ना तुम इस घर के फर्द हो, और इस घर के किसी भी फर्द को कोई परेशानी हो मैं दूर ना कर सकूं, ऐसा हो नहीं सकता। ओके सो नाइस ऑफ यू अंकल। नो शर्मिंदगी वर्मिंदगी, बैठो मैं चेंज करके आता हूँ फिर चाय पीते हैं। श्योर गुड सी यू।
माशाल्लाह, लगता है तबीयत कुछ बेहतर हो गई है तुम्हारी। जी, अल्लाह का बहुत शुक्र है। गुड, शगुफ्ता भी अभी आई सौदा लेकर? हाँ, मैंने उसे कहा भी था कि मैं साथ चलती हूँ, लेकिन उसने मुझे मना कर दिया। अरे अच्छा ही हुआ ना, तुम दोनों की घर में तो बनती नहीं, बाजार में झगड़ा होता तो फिर तुम्हें कौन बचाता। आपने एक बात पे गौर किया क्या? आजकल शगुफ्ता को बाजार जाने का कुछ ज्यादा ही शौक चढ़ रहा है। अरे शुक्र करो बाजार जा रही है, वो कोई जिम्मेदारी तो संभाली उसने। अच्छा सुनो, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलूं। क्यों, क्या हुआ? थोड़ी ढीली ढीली सी लग रही हो, कोई दवा देगा तो फ्रेश हो जाओ। नहीं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं पहले से बेहतर महसूस कर रही हूँ। चलें, गुड, अच्छी बात है। आप चाय पियेंगे? नहीं, मैं अभी ऑफिस से निकलते हुए चाय पी, दिल नहीं चाह रहा। बड़ी प्यारी लग रही है। तुम्हें तमीज नहीं है घर में रहने की? तुम्हें तमीज है कि किसी का घर बर्बाद नहीं करते? अपना घर तुमने खुद बर्बाद किया है, मुझ पर इल्जाम मत लगाओ, बल्कि तुमने मेरी जिंदगी जहन्नम बना के रखी है। अभी कहाँ, अभी तो तुम देखोगी कि तुम्हें जहन्नम के किस तबक की सैर करवाता हूं। सलीम हटो मेरे रास्ते से। क्यों, मैं नहीं डरता किसी से, ना ही तुम्हारे रास्ते से हटूंगा कभी। स्वीट हार्ट, मुझे अब कोई प्लानिंग करनी पड़ेगी, ऐसी प्लानिंग जो सासू मां जैसी चालाक औरत को भी चित करते। उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी तो मेरे हाथ आ चुकी है, और मुझे यकीन है कि वो उस बुड्ढे से काफी माल भी बटोर चुकी होगी। अब बस ब्लैकमेल करके मुझे उसकी तिजोरी में नकब लगानी ही होगी। मगर इजहार मियां ये भी सोच लो कि वो बुढ़िया इतनी आसानी से अपना माल पानी तुम्हारे हवाले नहीं करेगी। प्लान ऐसा हो कि वो डर जाए, और अगर वो डर गई तो समझो काम बन गया। यस,